शिक्षार्थियों नमस्कार। NIOS के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा और आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए हम सब यहां उपस्थित हुए हैं वह है भाषा संप्रत्यय प्रकार्य एवं महत्व। और हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्णकांत त्रिपाठी जो मिजोरम विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। इस विषय को लेकर के जो मूलभूत प्रश्न हमारे मन में उठता है वह है कि भाषा का संप्रत्यय क्या है। तो डॉक्टर त्रिपाठी हम यह चाहेंगे कि आप यह हमें समझाएं कि भाषा के संप्रत्यय से क्या अभिप्राय है और भाषा के संप्रत्यय को हमें किस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद मिश्रा जी। भाषा काफ़ी रोचक विषय है और हम सभी शिक्षकों को जैसे कि पता है कि भाषा शिक्षा व्यवस्था का आधार है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार है, तो हमें इसका संप्रत्यय और इसका प्रकार और महत्व समझना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम कहना चाहेंगे भाषा का प्रयोग जितना नैसर्गिक है, सरल है और उपयोगी है, इसको परिभाषित करना उतना ही कठिन है। इसका क्षेत्र बहुत ही विशाल है और इसको दर्शन शास्त्र से लेके आधुनिक विषय जैसा कि जैसे न्यूरोलॉजी या तंत्रिका तंत्र विज्ञान बोलते हैं उसमें भी इसका अध्ययन किया जाता है। तो लगभग कई विषयों में और कई तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। और एक भाषाविद हैं रेमंड विलियम्स महोदय, उन्होंने तो कहा है कि भाषा की कोई भी परिभाषा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव मात्र की परिभाषा है। हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं, ये हमारी भाषा का ही एक आधार है। भाषा के कारण हम अलग हैं अन्य जीवों से। जी, पहला प्रश्न जब हम करते हैं कि भाषा क्या है, तो सर्वप्रथम जो हमारे मन में उत्तर आता है वो है कि भाषा संप्रेषण की एक माध्यम है। ये उत्तर बड़ा ही सरल है और लेकिन ये भाषा के संप्रत्यय को बड़ा सीमित दायरे में रखता है। यहाँ पर अगर आप किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति से भी ये प्रश्न करेंगे तो आपको ये उत्तर मिल जाएगा। और मैं अक्सर अपने कक्षा में बच्चों से पूछता हूँ कि भाषा क्या है, तो सबसे पहले यही उत्तर प्राप्त होता है। यह भाषा का प्रथम कार्य है, अविलंब हम समझ जाते हैं। भाषा एक अध्ययन विषय के रूप में दर्शन से लेकर तंत्रिका विज्ञान जैसे न्यूरोलॉजी कहते हैं विषय तक व्याप्त है। इसकी कोई एक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। अतः हम विभिन्न दृष्टिकोणों से भाषा के संप्रत्यय को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें दृष्टिकोण भाषा को लेकर दृष्टिकोणों की जब बात की जाती है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम यह जानें कि भाषा के संप्रत्यय को या भाषा की पूरी संरचना को या भाषा के पूरे संदर्भ को किन किन दृष्टिकोणों से हमें देखना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप हमारे शिक्षार्थियों को यह स्पष्ट करें कि भाषा को देखने के, भाषा को समझने के कौन कौन से दृष्टिकोण आजकल चर्चा में हैं या कभी भी चर्चा में रहे हैं। ये धन्यवाद मिश्रा जी। ये भाषा को कई तरीके से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कई विषयों में कई तरीके से परिभाषित किया गया है। और सर्वप्रथम हम सरल तरीके पर आते हैं जिसे हम प्रकारात्मक दृष्टिकोण बोलेंगे। भाषा के प्रकार के आधार पर सरलतम तरीके से कहा जा सकता है कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है। और संप्रेषण में हम क्या संप्रेषित करते हैं, वो हमारे भाव हैं, विचार हैं, सूचनाएं हैं, उद्देश्य हैं आदि। संप्रेषण का मतलब कि संप्रेषित करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। दूसरा दृष्टिकोण है संरचनात्मक दृष्टिकोण, इसे हम भाषा शास्त्रीय दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। ये भाषा शास्त्र में भाषा को एक प्रणाली या सिस्टम के रूप में माना जाता है जिसमें कई उपतंत्र या सब सिस्टम भी शामिल हैं, जिसमें ध्वनि विज्ञान है, पद विज्ञान है, वाक विज्ञान है और अर्थ विज्ञान है। और अभी एक प्रैग्मेटिक्स या प्रयोग शास्त्र भी कहेंगे भाषा का है, जिसकी ये सारे तंत्र आपस में मिलके हमें जब कोई व्यक्ति एक सेंटेंस बोलता है, एक वाक्य बोलता है, तो इन सब तंत्रों का एक सम्मिश्रण होता है। इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल अचेतन रूप में उसका सबका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम इसमें कभी इस पे सोचते नहीं कि हमने इतनी चीज़ों का प्रयोग किया है। इसीलिए इसको संरचनात्मक दृष्टिकोण कहा जा रहा है, स्ट्रक्चरल जिसे कह सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका पद विन्यास क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, उसका सेमेंटिक्स क्या है, इसीलिए इसको ये कहा जा रहा है। जी जी। दूसरा है कि भाषा सामाजिक
राजनीतिक दृष्टिकोण जो है भाषा, इसके अनुसार भाषा एक सामाजिक पहचान है, राजनीतिक पहचान है। भाषा सामाजिक राजनीतिक पहचान इतनी ज़बरदस्त है कि हम अगर तमिलनाडु का उदाहरण लें जी, यदि हम बराक घाटी, जो असम में एक बराक नदी है, उसके आसपास के जो चार जिले हैं उस क्षेत्र का अगर उदाहरण लें तो हम समझ सकते हैं कि भाषा कितनी बड़ी राजनीतिक शक्ति है, कितनी बड़ी। उसको जरा स्पष्ट करें क्या कहना चाह रहे हैं। बराक घाटी में जब 1961 की बात है, असम सरकार ने जब असमी भाषा को ही प्रशासनिक भाषा रखने का निर्णय लिया तो वहाँ जो बंगाली भाषा का एक बोली है सिलहटी, उसको बोलने वाले लोग थे, उन्होंने विद्रोह किया। अच्छा। और रेलवे स्टेशन और उन सब चीज़ों को मतलब कि जाम कर दिया गया, तो उसमें पुलिस की फायरिंग में 11 लोग की जान गई। और आज भी बराक घाटी में 19 मई को भाषा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मतलब यह समझ में आता है कि भाषा सीधे सीधे अस्मिता से जुड़ा मुद्दा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दूसरा अन्य विचार भी हैं और इनको हम संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं, जैसे चोमस्की जी मानते हैं कि व्यक्ति की अनन्य आंतरिक क्षमता है, ये इंटरनल कैपेसिटी है। और हैलिडे, इसके विपरीत हैलिडे महोदय जो सामाजिक भाषाविद हैं, उनका मानना है कि समाज में अंतःक्रिया का माध्यम है ये, वे इसे एक अर्थ क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। उन्होंने अर्थ क्षमता को मस्तिष्क से नहीं परंतु संस्कृत से जोड़ा है। हम अपने वातावरण में जो भी चीज़ें हैं उनको समझने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं और उनको एक अर्थ देते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके लिए। ये हमारी जो मीनिंग मेकिंग कैपेसिटी है, ये हमारी भाषा है। कहने का तत्पर्य है कि सभ्यता और संस्कृति से भाषा बहुत हद तक प्रभावित होती है, और शायद इनका यही मानना था और यही कहना था। संस्कृत का एक अंग माना जाता है भाषा को, शिक्षा को भी। तो अब हाई महोदय मानते हैं भाषा एक संवाद है, एक डिस्कोर्स है, जबकि ऑस्टिन महोदय इसे एक क्रिया या गतिविध मानते हैं। हम भाषा का जब प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, भाषा एक्टिविटी उन्होंने नाम दिया, और ये भाषा एक्टिविटी को ही उन्होंने भाषा माना कि भाषा एक्टिविटी के रूप में उन्होंने भाषा को परिभाषित किया है जी। अब भाषा को एक विचारधारा भी माना जाता है, ये रोचक होगा जानना कि कैसे भाषा एक विचारधारा। भाषा विभिन्न भाषाओं के जानने वाले लोग एक पर्टिकुलर विचारधारा रखते हैं और इस तरह भाषा का विचारधारा, इसमें कई सारी रिसर्चेज भी हुई है। हम सिर्फ किसी विचारधारा को मानते हैं या किसी तरीके से सोचते हैं जी, ये हमारी मातृभाषा का भी असर होता है। इस पर कई सारे अभी आधुनिक रिसर्चेज हुए हैं, जिसमें एक रूसी भाषाविद है, उन्होंने इस पर रिसर्च की है। इसका मतलब डॉक्टर साहब यह जो बात समझ में आती है कि सोचने और विचारने के लिए भी भाषा की उपाधि आता है। हमारे भाषा सिर्फ सोचने का माध्यम नहीं, हमारे सोचने की शक्ति के एक हिस्सा है। हाँ, भाषा हमारे माइंड ये थिंकिंग प्रोसेस है, उसका पार्ट है, ना कि एक प्रोसेस का बेस। अच्छा, है। अच्छा अच्छा, ये स्पष्ट हुआ। हाँ, आगे और क्या? अब भाषा की प्रकृति के आधार पर हम भाषा को समझ सकते हैं जी। इसमें जैसे कि भाषा एक अमूर्त तत्व है। हाँ, भाषा उद्दीपन मुक्त है जी, अधिगमेय है, सीखा जा सकता है, व्यवस्थित या पद्धतिबद्ध है, माध्यम स्वतंत्र है, स्वैच्छिक प्रतीकात्मक प्रणाली है जी। ये भाषा के प्रकृति के कुछ तत्व हैं। तो ये तो भाषा की प्रकृति के तत्व हो गए। अब हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर भाषा कौन कौन से कार्य करती है और किस प्रकार से उन कार्यों को देखा जाना चाहिए, किस प्रकार से, किस ढांचे में इसे देखा जाना चाहिए, विशेषकर भारतीय संदर्भों में यदि हम बात करें जी, तो इसे स्पष्ट करें। चाहेंगे कि भाषा के कार्यों की चर्चा से पहले हम इन जो ये तत्व हैं, अच्छा अच्छा, भाषा के तत्व हैं, हाँ, इन्हें स्पष्ट किया जाए अपने शिक्षकों को जी जी। हाँ, तो ये तत्व जो हैं उनको एक एक करके आप जरा सा स्पष्ट कर दें, जिससे कि कार्य को समझने में ज्यादा सुविधा होगी। पहले तो अमूर्त तो हम शब्द से ही समझ सकते हैं कि भाषा को हम देख नहीं सकते, जो बोल रहे हैं उसको देख नहीं सकते हैं, मुख्य भाषा वही है और हम भाषा को छू नहीं सकते हैं। तो एक अमूर्तता का जो संप्रत्यय जुड़ा हुआ है, उसको जैसे मछली जल में रहती है और जल के वो सारी क्रियाएं करती है लेकिन जल का एहसास उसको नहीं होता कि वो जल में है। तो हम इसी प्रकार भाषा में जी रहे हैं, भाषा से हमारी सारी क्रियाकलाप क्या बोलेंगे गवर्न हो रहे हैं, और तब भी हम
भाषा की परिभाषा को कभी हम ध्यान नहीं, कभी आपने सोचा नहीं होगा कि भाषा क्या है, भाषा क्या है। हाँ, लेकिन हम भाषा बचपन से इस्तेमाल करते हैं, उसके बिना तो कोई काम नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि एक फ्रांसीसी मनोविज्ञानी जूलिया क्रिस्टेवा हैं, उन्होंने 1989 में जितनी भी प्राच्य और पाश्चात्य पूर्व के दर्शन में और पश्चिम के दर्शन में जितनी भी भाषा को लेकर परिभाषाएं दी गई थीं उनका विश्लेषण किया और उन्होंने पाया कि भाषा आज भी अज्ञात तत्व है। दिस इज अब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ लैंग्वेज। और लैंग्वेज पे जूलिया क्रिस्टेवा एक अथॉरिटी हैं, फ्रांस में एक अथॉरिटी हैं और उन्होंने बहुत सारे लेख और सारे संपादित किए हैं और बहुत सारी अवधारणाएँ उन्होंने प्रस्तुत की हैं। जी, दूसरा उद्दीपन मुक्त का जो संप्रत्यय है कि जैसे पशुओं के या जंतुओं की जो भाषाएं हैं एक सीमित उनके संकेत हैं जिनको आप समझ सकते हैं, मौसम के हिसाब से समझ सकते हैं। जब जैसे मधुमक्खियां हैं, जब वो शहद के सोर्स से आती हैं तो उनकी आप चाल से भिनभिनाहट से समझ जाते हैं कि क्या है, लेकिन मानव भाषा में ऐसा नहीं है। आप खाना खा के आते हैं तो आपकी हम भाषा से ये नहीं समझ सकते कि आप खाना खा चुके हैं। तो उद्दीपन मुक्त है, इसमें बड़ा वैरायटी है, स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, स्टिमुलस फ्री एंटिटी है। जी, दूसरा कि इसे सीखा जा सकता है। अच्छा। टोमस्की महोदय ने माना कि एक हमारे अंदर भाषा आंतरिक क्षमता है। अच्छा। तब भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि भाषा, किसी भी भाषा के विभिन्न शब्दों को हमें समाज में रहते हुए सीखना पड़ता है। हाँ। और उनको कैसे प्रयोग किया जाता है सीखा जाता है, और ये भाषा एक अधिगमी या विज्ञेय तत्व है, इनेट होने के साथ साथ इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल भी है, तत्व भी है इसमें। जी, दूसरी बात है कि एक संरचित पद्धति, जैसा कि हमने भाषा की संरचनात्मक परिभाषा में देखा कि बहुत सारे इसमें सिस्टम जुड़े हुए हैं और सब एक दूसरे से उनका अंतरक्रिया है, इंट्रैक्शन है, उसके बेस पे हम भाषा का प्रयोग कर पाते हैं। और भाषा का प्रयोग करने से तात्पर्य यह है कि अगर इसमें सिस्टम नहीं होगा तो हम जो बात आपसे कहना चाह रहे हैं वो बात हम कह तो देंगे लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो जो नियम है भाषा के, जो संरचनात्मक नियम है, उन वो भाषा को एक उनकी भाषा को परिभाषित करने के एक आधार बनते हैं। क्या इसका यह मतलब हुआ कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज पैटर्न जो है वो प्री डिफाइंड है और स्ट्रक्चर्ड है? जी जी, स्ट्रक्चर्ड जो आपने शब्द प्रयोग किया, संरचना, संरचना अगर नहीं है, शब्दों से आप बहुत सारे शब्द एक पृष्ठ पे लिखिए और किसी को दे दीजिए, अर्थ नहीं निकलेगा जब तक उन शब्दों को एक संरचना में, विशेष प्रकार की संरचना में नहीं डाल। हाँ, विशेष तरीके की संरचना के साथ यदि आप शब्दों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठाते हैं तब तक उसका कुछ अर्थ निकल के नहीं आता, इसका यही तात्पर्य समझ में आ रहा है। जी, एक ये माध्यम स्वतंत्र है, आप भाषा बोल भी सकते हैं, आप भाषा लिख के भी संप्रेषित कर सकते हैं, और आप जैसे आप ब्रेल लिपि का आपने देखा कि जो जिनको दिखाई नहीं देता है, ब्लाइंड लोग, हाँ, हाँ, उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। संकेत मुद्रा के माध्यम से भी, कोडिंग के माध्यम से भी आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो भाषा किसी एक माध्यम पे निर्भर नहीं, निर्भर नहीं होती है। आपकी भाषा से जैसे लिखित भाषा है, एक लिपि पे निर्भर नहीं करती है, आप किसी भी लिपि में अपनी भाषा को संप्रेषित कर सकते हैं। आज मोबाइल टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप इस बात को समझ सकते हैं आसानी से, बहुत बहुत सारे कि आप अपनी हिंदी को इंग्लिश में लिख देते हैं, इंग्लिश को हिंदी में लिख देते हैं। दूसरी बात है कि भाषा यादृच्छिक प्रतीकात्मक प्रणाली है, जो शब्द हैं और जो शब्दों के अर्थ हैं उनमें कोई एक मूलभूत संबंध नहीं है, लॉजिकल नहीं है। हाँ, जो हम एक कोई उसका तर्क नहीं निकाल सकते कि इस शब्द का यही मतलब क्यों है, क्यों हमारी संस्कृत में या हम जैसा सुनते आ रहे हैं वैसा प्रयोग करते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक उदाहरण दे तो चीजें ज्यादा स्पष्ट होंगी। एक शब्द हिंदी में है मामा, जी, ये शब्द प्रयोग होता है माँ के भाई के लिए, रिश्ते को बताता है। जी, और जैसे मिजो भाषा में मामा शब्द है, बहुत अधिक प्रयोग होता है, इसलिए मैं इसका उदाहरण दे रहा हूँ कि किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे को हम मामा कह सकते। अच्छा, ये तो ये दोनों शब्द मतलब कि बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत लोग यूज करते हैं। लेकिन अंतर देखे कितना ज्यादा है। कि हिंदी पट्टी में मामा होता है माँ का भाई, और मिजो भाषा में वही शब्द है मामा, वही साउंड पैटर्न है, वही साउंड स्ट्रक्चर है,
और इस्तेमाल होता है छोटे बच्चे के लिए। मतलब कि इसको साधारण समझ सकते हैं कि ये जो पेन है जी, जिसको पेन के अलावा हम और कुछ भी कह सकते हैं, कप भी कह सकते हैं, पुस्तक भी कह सकते हैं, ये कोई इसका तर्क नहीं है। अच्छा, मतलब यदि इस पेन को यदि कप कहा जाता तो आज ये कहते कि आपकी जेब में कप रखा हुआ है। तो ये कोई मूलभूत तर्क नहीं है कि शब्द का अर्थ यही क्यों है। जी जी जी। अब हम चर्चा करते हैं कि भाषा के कार्य। हाँ, जिसकी जो प्रश्न मैंने पहले पूछा था कि लैंग्वेज का फंक्शन क्या है। जी, तो पहले तो एक तो परिभाषा में ही स्पष्ट हो चुका है कि भाषा एक संप्रेषणात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम संप्रेषण करते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो प्रथम कार्य भाषा का जो भी बहुत ही स्पष्ट है, एक प्रथम संप्रेषण, भाषा शब्द सुनते ही कम्युनिकेशन आ जाता है। जी। दूसरा है काव्य सौंदर्य शास्त्रीय और कलात्मक कार्य। अब जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं वो भाषा को कला के रूप में प्रयोग करते हैं, और जो उसके पढ़ने वाले साहित्य प्रेमी लोग हैं वो उस साहित्य को पढ़ के आनंद के अनुभव करते हैं। तो इसके हम भाषा के सौंदर्य शास्त्रीय कार्य कह सकते हैं इसको। अच्छा। और दूसरी बात है कि जैसे पारस्परिक अंतर वैयक्तिक कार्य जो है कि सिर्फ हम भाषा अपनी बात पहुंचाने का माध्यम के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, हम भाषा को आपस में संबंध बनाने, मतलब कि एक दूसरे को पहचानने, एक दूसरे से जुड़ने के लिए भी प्रयोग करते हैं। और अगर हम एक भाषा एक दूसरे की नहीं जानते तो हमें वो जुड़ाव नहीं होता। लैंग्वेज जो है आपकी एग्जिस्टेंस से जुड़ा मसला होता है इसीलिए। दूसरा है कि विचारात्मक, जैसा कि पहले भी हमने कहा कि भाषा एक विचार का आधार ही नहीं है, हमारे विचार का हिस्सा है, हम किसी भाषा को बोलने के आधार पर ही सोचते हैं। इसमें बड़ा ही रोचक उदाहरण है कि जैसे एक ऑस्ट्रेलियन जनजाति भाषा है, इसमें बायां और दायना शब्द नहीं है। अच्छा। हाँ, उसमें अगर आपको बोलना है कि आपका बायां हाथ है तो आप दिशा, जो दिशा बोध है, परमानेंट डायरेक्शन जो है, उसमें बोलेंगे पूर्वी हाथ, पश्चिमी हाथ। अच्छा। और वहाँ के लोगों का इतना, ये जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का इतना बढ़िया मतलब कि कॉन्सेप्ट है, इतना बढ़िया संप्रत्यय स्पष्ट है कि एक छोटे से बच्चे से आप पूछेंगे कि आप ये जो आप बैठे हैं मेरी तरफ किस दिशा में, तो तुरंत बता देगा, चाहे वो पूर्व हो चाहे पूर्वोत्तर। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बहुत रोचक चीज़ एक है कि गांव का व्यक्ति हमारे यहाँ तो पूरब दिशा में जाना है, पश्चिम दिशा में जाना है, इसका उपयोग तो करता है, लेकिन शहरों में यदि आप किसी से कोई एड्रेस पूछते हैं तो दाएं बाएं ही बताएगा कि आप आगे इस चौराहे से जाके दाएं चले जाइए, वो कभी दिशा का प्रयोग नहीं करता। ये शहरों की भाषा बदल रही है। बदल रही है जी, शहरों की भाषा दिशा बोध मुझे लग रहा है कि ये एक दिशा बोध का जो स्पष्ट दिशा बोध जो है वो उस जन विशेष भाषा के लोगों में ज्यादा है। ज्यादा है जी। और भी ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। तर्क, तर्क में तो शुरू से ही भाषा एक आधार रही है। जैसे अगर आपको तर्क करना है तो इफ बट, तो ये तर्क शास्त्र का एक हिस्सा है, और हमारे सभी शिक्षक जानते हैं कि वर्बल रीजनिंग, हाँ वर्बल रीजनिंग, शाब्दिक तर्क जो होता है वो भाषा के आधार पर आधार किया जाता है। होता है विभिन्न परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी बात है भाषा पहचान। आप पतंजलि मिश्रा हैं, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी हूँ, ये पेन है, ये लैपटॉप है, ये पानी है, हमने अपने वातावरण में विभिन्न चीजों को विभिन्न नाम दे रखे हैं। ये भाषा के आधार के बिना हम इनको नहीं पहचान सकते, नहीं पहचान सकते। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो है रिकॉर्डिंग का या परिरक्षण का, जो बात हम आज कर रहे हैं जी, अगर भाषा ना हो, अगर लिखित भाषा ना हो, इसको अगर लिखा ना जाए तो ये अगली पीढ़ी तक या कुछ समय बाद ये हमारी बात करने के बाद ही समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये भाषा एक परिरक्षण का भी कार्य करता है। दूसरा शारीरिक और भावनात्मक का, मतलब कि भाषा सिर्फ लिखने का या सिर्फ बोलने का, चिंतन का ही कार्य नहीं है, भाषा से भावनात्मक कार्य भी जुड़े हुए हैं। जैसे आप मुझसे व्यथित हैं, आप मुझसे कुछ कह लेंगे या किसी अपने मित्र से कह लेंगे तो आप हल्के हो, तो शारीरिक जो टेंशन है, जो मानसिक टेंशन है, वो रिलीज हो जाती है, रिलीव हो जाती है, कैथारसिस हो जाता है, कैथारसिस का कार्य करती है भाषा। आप इसमें एक प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी से
व्यथित हैं, कष्ट में हैं, तो आप उसके लिए एक पत्र लिखिए और जो जो मन में आए जिस भाषा में लिखना चाहें उसमें लिख सकते हैं। जो मतलब कि स्वीकृत भाषा हो या अस्वीकृत भाषा हो उसमें आप लिख सकते हैं, और आपका जब पेन बंद होगा तब आप हल्का महसूस करेंगे और पत्र को देने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको कि डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो ये भाषा का भावनात्मक और शारीरिक कार्य है। अब हम चर्चा करते हैं भाषा के महत्व की। जी, चूंकि अभी तक हमने कार्य, संप्रत्यय और किन किस दृष्टिकोण से भाषा को देखा जाना चाहिए इन चीज़ों के बारे में जान लिया और समझ लिया, तो अब हमारे लिए यह जानना और समझना महत्वपूर्ण है कि आखिर भाषा का महत्व क्या है और किन मायनों में भाषा का होना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इसे स्पष्ट करें। भाषा का महत्व हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि भाषा पारस्परिक अंतर्क्रिया, अगर भाषा नहीं होती तो आज जो समूह में हम रह रहे हैं हम समूह में नहीं रह रहे होते। अगर आप जो पड़ोस का व्यक्ति आपकी भाषा और उसकी भाषा अलग है तो आप उसे चर्चा नहीं करते हैं और आपके संबंध पारस्परिक संबंध नहीं के बराबर होते हैं, बस देखने का संबंध होता है, बात करने का संबंध नहीं होता है। तो जो हमारे शुरुआत से हमारे पूर्वज जब साथ में रहना शुरू किए होंगे तो ये भाषा के आधार पर ही संभव हो सका होगा। दूसरी बात है कि समूह में रहना, फिर बड़े बड़े शहरों, राज्यों और देशों का जो जो प्रशासन है भाषा के बिना संभव नहीं हो सकता है। इतने बड़े बड़े देशों का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता अगर भाषा नहीं होती। यदि भाषा नहीं होती तो शायद मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती थी, और कल्पना करने के लिए भी भाषा एक आधार है। तो शायद हम मानव नहीं होते अगर भाषा नहीं होती। भाषा ही है जो कि पशुओं और मानवों में विभेद करता है। मुख्य अंतर भाषा का ही है। भाषा चिंतन प्रक्रिया के आधार के साथ साथ उसका हिस्सा भी है। किसी एक भाषा समुदाय के सदस्य होने के नाते हम एक विशेष तरह की चिंतन क्षमता और दिशा रखते हैं, ये जैसे कि मैंने बताया। और एक और इसमें उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे रूसी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में एक तुलना की गई, जैसे नीले कई सेड होते हैं, नीले रंग के, उसमें गहरा नीला है और हल्का नीला है, तो अंग्रेजी भाषा के लोग डार्क ब्लू और लाइट ब्लू कहेंगे जी, और जबकि रूसी भाषा में इनके अलग अलग शब्द हैं। तो इसका असर उनके मस्तिष्क पे ये दिखा कि जो रूसी लोग हैं वो नीले रंग के अलग अलग जो सेड्स हैं उनको जल्दी से पहचान लेते हैं। तो भाषा का ये मतलब कि आपकी संज्ञानात्मक क्षमता पे जो असर है उसका भी ये बहुत रोचक है कि नीले, हल्के नीले रंग के लिए और गहरे नीले रंग के लिए रूसी भाषा में अलग अलग शब्द है, और केवल अलग शब्द होने की ही वजह से शोधों ने यह प्रमाणित किया कि वह ज़्यादा आसानी से एक रूसी व्यक्ति जो है आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा नीला रंग है जी। तो ये एक बेहद रोचक जानकारी है और ये केवल भाषा के माध्यम से ही हो पाता है, यह महत्वपूर्ण है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं शिक्षक होने के नाते शिक्षा और अधिगम में भाषा का विशेष योगदान होता है। एक सामान्य अवधारणा है कि शिक्षण भाषा मुक्त वातावरण में संभव नहीं है। मेरा यह मानना है कि शिक्षा और अधिगम की उत्पत्ति और आवश्यकता, स्कूल खुलना और शिक्षण कार्य होना, दोनों भाषा के उद्भव से ही जुड़े हुए हैं। ये भाषा थी तो हमें भाषा सिखानी थी तो हमने विद्यालय खोले, और भाषा थी तो विद्यालय चल सकते थे। तो भाषा माध्यम भी है और भाषा विषय भी है, तो भाषा के उद्भव के साथ ही विद्यालय का उद्भव जुड़ा है, ये मेरा मानना है। अच्छा, मतलब आपके कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भाषा नहीं होती तो आज हमारे यहाँ जो आधुनिक विद्यालय है जी वो भी अस्तित्व में नहीं होते, शायद मैं सोच नहीं सकता इस पे। बहुत सिलसिलेवार ढंग से और बहुत क्रमवार तरीके से डॉक्टर साहब आपने हमें यह बताया कि भाषा का संप्रत्यय क्या है, भाषा किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसके लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का मत लेते हुए आपने स्पष्ट किया। उसके बाद आपने यह हमें समझाया कि भाषा के संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए कौन कौन से दृष्टिकोण हैं, जिसमें आपने संरचनात्मक, फंक्शनल, ये सारे दृष्टिकोणों की चर्चा की। उसके बाद हमने यह जाना कि भाषा के कार्य क्या हैं, फंक्शन क्या हैं,
और उसके बाद भाषा के महत्व को आपने बहुत बेहतर तरीके से और बहुत सामान्य भाषा में उदाहरणों की सहायता से समझाया। डॉक्टर साहब, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ NIOS स्टूडियो की तरफ से, NIOS की तरफ से और अपने शिक्षार्थियों की तरफ से कि इतने सहज, सरल, सुगम और रोचक तरीके से आपने भाषा के मूलभूत संप्रत्ययों को हमारे सामने रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार शिक्षक मित्रों।